ये मोहाली वाला मैच तो आपको याद होगा, अगर याद नहीं तो मैं याद दिलाता हूँ। 2 सप्ताह पहले हुए एशिया कप में बुरी तरह से हारने के बाद इंडिया अपने घर वापस आया था। 2022 T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ 1 महीने से भी कम का टाइम था और उस बड़े टूर्नामेंट से पहले एक आखिरी बार अपनी तैयारी टेस्ट करने के लिए इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 सीरीज था। फर्स्ट T20 मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपना हाईएस्ट T20 स्कोर बनाया। इस इनिंग्स के आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर को हैट्रिक छक्का मारा। इत्तेफाक से वही बॉलर पहली बार किसी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए इनिंग्स ओपन कर रहा था और एज एन ओपनर उसने अपनी पहली 4 बॉल पे 4 चौका जड़ा। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 नवंबर 2019 से। गाबा के मैदान पे ऑस्ट्रेलियन रणजी ट्रॉफी मैच हो रहा था जिसे शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट कहा जाता है। मैच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड के बीच था। उनमें से 9 खिलाड़ी ऐसे थे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए नेशनल लेवल पे मैच खेल चुके थे। फिर भी स्टैंड्स में 200 से ज्यादा दर्शक नहीं थे, कुछ होम सपोर्टर्स, डाई हार्ट्स और स्टूडेंट्स का हुजूम था। उनमें से किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग क्या देखने वाले थे। 4th और आखिरी दिन उस्मान ख्वाजा की क्वींसलैंड टीम बस जीत के कगार पे ही थी। 2nd इनिंग्स में उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट महज 53 रन पे गिरा दिए थे। शॉन मार्स की टीम क्वींसलैंड के फर्स्ट इनिंग्स टोटल से अब भी 26 रन पीछे था। तब 9वें नंबर पे 20 साल का एक नौजवान नाइट वॉचमैन के रूप में आया। कैमरॉन ग्रीन अपने फर्स्ट क्लास करियर में पहले ही कई बड़ी छाप छोड़ चुके थे। 3 साल पहले अपने डेब्यू पे तास्मानिया के अगेंस्ट उन्होंने 24 रन देके पंजा लिया था। बैटिंग में 1-2 बार छोटी मोटी पारी देखने को मिला। तब तक कैमरॉन ग्रीन सिर्फ एज ए बॉलर चमक रहे थे, पर आज वो कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिसके वजह से टीम में उनका ओहदा ऑलराउंडर का होने वाला था। ग्रीन ने टेल एंडर्स के साथ 4 घंटे बैटिंग करते हुए नॉट आउट 121 रन बना के मैच को टाई कराया। वही मैच जो उनकी टीम 1 इनिंग्स से हारने के कगार पे थी। अगले 1 साल के अंदर ग्रीन ने 4 फर्स्ट क्लास सेंचुरी मारा, उसमें से 1 मेहमान इंडियंस के खिलाफ 125 रन नॉट आउट। साल 2020 के आखिर में इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर पे गई। वार्म अप मैचेस में ग्रीन ने यहाँ भी अपना छाप छोड़ा और इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए इंडिया के खिलाफ सीरीज के लिए उन्हें टीम में एज अ बैटिंग ऑलराउंडर शामिल किया गया, न कि बॉलिंग ऑलराउंडर। 2 दिसंबर 2020 को अपना ODI डेब्यू और 17 दिसंबर को उसी सीरीज में अपना टेस्ट डेब्यू किया। महज 21 साल की उम्र में उन्हें बैगी ग्रीन मिला। ये उस नौजवान लड़के के लिए एक सपने की तरह ही था। कैमरॉन ग्रीन का जन्म 3 जून 1999 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में पिता गैरी ग्रीन और माँ बी ट्रेसी के घर हुआ। 2009-10 सीजन में 10 साल की ही उम्र से ग्रीन प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। कोच वैन कलार के अंडर उन्होंने क्रिकेट के बेसिक्स को सीखा। बड़े कम उम्र में ही उन्होंने वाका के फर्स्ट ग्रेड टीम में डेब्यू किया और धीरे धीरे अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से वो हायर लेवल तक पहुंच गए। बहुत ही जल्द अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट और बिग बैश लीग में डेब्यू किया। पहले तो वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर ही देखे जाते थे, पर इंजरीज के सिलसिले ने उन्हें अपनी फोकस बैटिंग की तरफ मोड़ने पर मजबूर किया। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ग्रीन अपने फिजिक की वजह से एक शानदार बॉलर तो थे ही, पर अब बैटिंग स्किल्स सीखने के बाद अब उनका कोई तोड़ नहीं था। शेन वॉटसन, मार्कस स्टोइनिस, मिशेल मार्स के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और बैटिंग ऑलराउंडर तैयार हो रहा था। इंडिया के खिलाफ ODIs में तो उन्हें सिर्फ एक ही मैच मिला, पर टेस्ट मैच के 7 इनिंग्स में उन्होंने 236 रन बनाया जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। इसके बाद अपने फर्स्ट क्लास करियर में ग्रीन ने कई बड़ी बड़ी पारियां खेली जिसमें क्वींसलैंड के खिलाफ दोहरा शतक शामिल था। 2022 T20 वर्ल्ड कप के लिए सभी टीम्स अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन के तलाश में थी। फरवरी 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ T20s के लिए ग्रीन को टीम में शामिल किया गया और 5 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के ही खिलाफ उन्होंने अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। सितंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ODIs में उन्होंने इस बार इंटरनेशनल स्टेज पे एक मैच विनिंग पारी खेला। 233 के टारगेट को चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया 44 रन पे अपना 5 विकेट खो चुका था। फिर आए ग्रीन, जिन्होंने न जाने कितने क्रैम्प्स और पेन के बावजूद नाबाद 89 रन की मदद से टीम को 2 विकेट से मैच जितवाया। उनका असली इम्तहान जख्मी इंडियंस के सामने था, जिसने अभी अभी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के सामने एशिया कप में श्रीलंका जैसे टीम से मुंह की खाई थी।
ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वर्ल्ड कप से ठीक पहले अपनी टीम कॉम्बिनेशन को टेस्ट करने का ये आखिरी मौका था। कैमरॉन ग्रीन पहली दफा इंडिया आए थे और आज से पहले उन्होंने कभी भी किसी भी फॉर्मेट में ओपनिंग नहीं किया था। आज वो कप्तान एरन फिंच के साथ ओपन कर रहे थे। 20 मिनट पहले ही अपने इनिंग्स के आखिरी ओवर में उन्होंने हार्दिक पांड्या से हैट्रिक छक्का खाया था और अब उनकी बैटिंग की बारी थी। उनका पहचान भी ताबड़तोड़ बैट्समैन वाला ही था और जिस ताकत से वो बल्लेबाजी कर रहे थे उस पर विराट की रिएक्शन साफ बता रही थी कि ग्रीन कितने घातक साबित हो सकते हैं। इस मैच में ग्रीन ने 200 के स्ट्राइक रेट से 61 रन बनाया और टीम के लिए सीरीज की शुरुआत एक जीत से की। अच्छा सीरीज गुजरने के बावजूद ग्रीन को शुरुआती T20 वर्ल्ड कप से बाहर रहना पड़ा और बाद में एक रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्हें टीम में शामिल किया गया। अगले साल की IPL के लिए ग्रीन ने अपना नाम ऑक्शन की लिस्ट में डाला है और इतने घातक और खूंखार ऑलराउंडर के लिए हर टीम जोरदार बोली लगाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।